हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अमित फैब्रिकेशन वर्क्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेल्डर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, जैसे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, तो जो इंटरव्यू में जो सवाल किए जाते हैं वो न्यूनतम मतलब क्या क्या, कॉमन सवाल क्या क्या होते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। नंबर वन सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर वन, वेल्डिंग किसे कहते हैं? दोस्तों, वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो समान प्रकार के धातुओं को, अलग अलग धातुओं को विशेष ताप या बिना दबाव दिए आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, वेल्डिंग कितने तरह की होती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा वेल्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरा नंबर है हीटोजीनियस वेल्डिंग। अब जान लेते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, आर्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जॉब तथा इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी को आर्क कहते हैं। यानी कि जो हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, जैसे जो बीच की जो दूरी होती है हमारे रड और जो जॉब होता है जिस पर वेल्डिंग करते हैं, उसकी बीच की दूरी को, बीच की गैप को हम आर्क कहते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर, वेल्डिंग में कुल कितने पोजिशन होते हैं? दोस्तों, वेल्डिंग में कुल छह पोजीशन होते हैं। नंबर वन, 1G पोजीशन, 2G पोजीशन, 3G पोजीशन, 4G पोजीशन, 5G पोजीशन और 6G पोजीशन। क्वेश्चन नंबर फाइव, वेल्डिंग रड समाप्त हो जाता है और उसके आखिरी हिस्सा जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा रड के आखिरी हिस्से को हम स्टॉप विड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टॉप विड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 7018 रॉड को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है? इसका आंसर होगा इस रॉड को मदर ओवन 300 डिग्री सेल्सियस और प्रोटेबल ओवन में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, MS और SS को जोड़ने के लिए किस नंबर रड का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कितने नंबर रड का प्रयोग किया जाता है लोहे और स्टील को जोड़ने के लिए? दोस्तों, इसका आंसर होगा MS और SS को जोड़ने के लिए 307 और 309 नंबर रड का प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट, वेल्डिंग रड के ऊपर जो लेप होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों वेल्डिंग रड के ऊपर जो लेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वेल्डिंग रड के ऊपर जो लेप होता है उसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, फ्लैक्स। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन, आर्क वेल्डिंग करने के बाद सलेक से क्यों ढक जाती है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सलेग से वेल्डिंग ढकने का यह कारण होता है कि वेल्डिंग ऑक्सीकृत ना हो। यानी कि दोस्तों जब वेल्डिंग करते हैं तो उस पर जो लेप जो चढ़ जाता है, जो ब्लैक कलर का हो या ब्राउन कलर का होता है, वो इसलिए ढक जाता है कि वो ऑक्सीजन उसमें ना लगे, जिससे वेल्डिंग खराब हो सकती है, सही प्रकार का वेल्डिंग नहीं आएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा आर्क लेंथ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, लॉग आर्क, स्मॉल आर्क और ठीक आर्क। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 2.5 mm का वेल्डिंग रॉड कितना एम्पियर करंट लेता है और 3.14 का वेल्डिंग रॉड कितने एम्पियर का करंट लेता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा 2.5 mm का वेल्डिंग रॉड 50 से 90 एम्पियर का करंट लेता है और 3.15 का वेल्डिंग रॉड 90 से 120 एम्पियर करंट लेता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वेल्डिंग में कितने खराबी आती हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा वेल्डिंग में प्रोटेसी, पिन होल, स्लैक, अंडरकट और ब्लो होल इत्यादि प्रॉब्लम आती है।
क्वेश्चन नंबर 13, वेल्डिंग रड का साइज बताएं। दोस्तों इसका आंसर होगा, वेल्डिंग रड का साइज सामान्यतः 12 इंच और 18 इंच होता है। दोस्तों वीडियो अगर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार भाई।